राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को स्वागत है आज के संध्याकालीन समय में श्रीमद् भागवतम से। आज आप सभी को भगवान की कुछ दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन करने वाले हैं। मैं कृष्ण गौर दास आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम भगवान के शुभ नाम कीर्तन करने के द्वारा फिर अपने गुरु आचार्यों के नामों को उच्चारण करते हुए उनके चरण में वंदन किए, फिर भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, सभी गोपीगण और श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम को स्मरण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हुकम करोति वाचालं परमूलं जयतं गिरि यत्कृपातम अहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचक्रमीश्वरं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो आज हम जानेंगे अमल पुराण, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से भी कहलाता है, जिसको हम सभी श्रीमद् भागवत के रूप से भी जानते हैं, जो भागवत अमृत श्री परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से ग्रहण किए थे, जो अमृत को धारण करने साक्षात देवतागण उपस्थित हुए और देवता अपने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के कलश को लेके आए और सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना किए कि हे गुरुदेव, कृपा पूर्वक आप अपने भागवत अमृत रत्न को हमको प्रदान कीजिए और हमारे पास जो अमरत्व प्राप्त करने के लिए जो हम अमृत को प्राप्त कर चुके हैं उस अमृत के कलश को आप अपने पास रखें और कृपा पूर्वक भागवत अमृत को हमको पान करवाएं। तो इसको सुन के श्री सुखदेव गोस्वामी उस समय देवतागण को व्यक्त किए कि आप लोग भागवत कथा को श्रवण करने और इस भागवत अमृत को पान करने के पूर्ण अयोग्य हैं। तो इस भागवत कथा को पान करने के लिए एकमात्र हृदय में प्रबल प्रेम और ऋषिक भाव का जरूरत है, लेकिन आप तो इससे विनिमय प्रथा को प्रकट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके तुच्छ प्राप्त अमृत को हम इस श्रेष्ठ भागवत अमृत के साथ तुलना करके आपको इस श्रेष्ठ भागवत अमृत को प्रदान करें। हालांकि स्वर्ग में देवतागण जो अमृत को प्राप्त किए थे वो बहुत ही तुच्छ विषय है, जिसको ग्रहण करके कोई जीव अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथामृत को जो श्रवण करता है वो व्यक्ति सिर्फ अमृतत्व को ही प्राप्त नहीं करता, वो अमर नहीं होता, वो भगवान के नित्य धाम में भगवान के सेवक के रूप से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और भगवान के नित्य सेवा में रह के सदा सर्वदा भगवत भक्तिमय में आश्रित रहता है। तो इस श्रेष्ठ फल को व्यक्ति प्राप्त करता है भागवत कथा को श्रवण करने के द्वारा। तो चलिए जानते हैं इस भागवत की महिमा को। अब श्रीमद् भागवतम के महिमा को बहुत प्रकार के हमारे वैदिक शास्त्रों में इसका गुण कीर्तन किया गया है कि कितना श्रेष्ठ है। तो इसका वर्णन संक्षिप्त रूप में हम करने का आप सभी को प्रयास करेंगे, जहाँ पे इसको अमल पुराण बताया गया है। पहले एक समय जहाँ पे श्रील व्यासदेव अपने आश्रम में उपस्थित थे और बहुत ही दुखी और चिंतित थे, तो विषादग्रस्त इस अवस्था में वो कलियुग के जीवों के बारे में चिंता कर रहे थे, उनके दुरावस्था के बारे में चिंता कर रहे थे, सोच रहे थे कि कलियुग में जीव बहुत ही ज्यादा पाप कर्म को करेंगे और उनका उद्धार कैसे होगा। इस विषय को चिंता करते हुए इस अवस्था में वो एक आश्चर्य दृश्य को दर्शन किए कि उनके आश्रम में ही उनके परम आराध्य गुरुदेव श्रील नारद मुनि उपस्थित हुए।
नारद मुनि को दर्शन करते ही श्रील व्यासदेव दंडवत प्रणाम की और गुरुदेव के चरण को वंदना की। चरण अभिषेक करने के बाद उनके चरण पादुका से जो अमृत था उसको उन्होंने पिया और चरण में पुष्प देके उनसे प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, कृपा पूर्वक आप हमें कृष्ण भक्ति के दिव्य भाव को मेरे हृदय में प्रकट कीजिए। अब गुरुदेव साक्षात नारद मुनि देखें कि उनके शिष्य व्यासदेव के हृदय में एक बहुत ही विदीर्ण विषमग्रस्त अवस्था है, जहाँ पे नारद मुनि बहुत ही दुखी थे। अब अपने शिष्य के दुख को दर्शन करके नारद मुनि व्यक्त किए कि हे व्यास, तुम बहुत ही दुखी दिख रहे हो, तुम्हारे इस दुख के पीछे कारण क्या है? तब नारद मुनि को व्यासदेव बताएं कि हे गुरुदेव, हम इस विषय में नहीं जानते, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा मन क्यों प्रसन्न नहीं है। हमने इतने सारे शास्त्र को लिखे, वेद को लिखे, चतुर्वेद बनाए, फिर पुराण आदि लिखे, फिर इतिहास लिखे, फिर उपनिषद, वेदांग, उपांग आदि इतने शास्त्रों को लिखने के बाद में भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है। हे गुरुदेव, कृपा पूर्वक आप हमको व्यक्त कीजिए मेरे इस शोक के पीछे कारण क्या है, कि हमने कुछ पूर्व कृत किया है या फिर ऐसे कोई कर्म को किया है जिसका फल हम भोग कर रहे हैं। तब श्रीला नारद मुनि व्यासदेव को व्यक्त किए कि हे मेरे प्रिय शिष्य, तुमने एक गलती कर दिया, जिस गलती के कारण तुम विषादग्रस्त अवस्था के अंदर हो और तुम शोक को प्राप्त किए हो। तुमने इतने सारे शास्त्र को रचना किया, लेकिन सभी शास्त्रों में तो मूल नायक अधिपति परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान को व्यक्त नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारे सृष्टि में कहीं पे समस्या आ रही है, जहां पे तुमने पुराणों में देवी देवताओं का वर्णन किया है, उनको श्रेष्ठ बताया है, जहां पे सात्विक में तुमने विष्णु का गुण कीर्तन किया है, सात्विक शास्त्र में उनके महत्व को प्रकाशित किया है, जहां पे राजसिक में तुमने ब्रह्मा का और तामसिक में दुर्गा, शिव आदि देवी देवताओं का वर्णन किया है, तो इससे जीव देवी देवता का पूजा अर्चन करने लगेंगे और सभी के अंदर विभेद आएगा, सब प्रकृति के गुण के अधीन है और इस गुण के अधीन रह के सात्विक विचार वाले सात्विक देवी देवता, राजसिक वाले राजसिक देवी देवताओं को और तामसिक प्रवृत्तियां वाले व्यक्तिगण तामसिक देवी देवताओं का पूजा करेंगे और इससे क्या होगा, सबके अंदर विभेद आ जाएगा, सब अपने देवी देवताओं को श्रेष्ठ रूप से मानेंगे लेकिन कोई भी इस जगत में परम ब्रह्म भगवान के तत्व को नहीं जान पाएंगे कि सभी देवी देवताएं वृत्त हैं, अनुचर हैं और उनके जो प्रभु हैं उन प्रभु के बारे में तुमने कोई भी शास्त्र में कुछ भी वर्णन नहीं किया, जिसके कारण तुम इतने शास्त्रों को लिखने के बाद में भी तुम्हारे मन के अंदर प्रसन्नता नहीं है, तुम प्रसन्न नहीं हो और तुम शोकग्रस्त हो। तो अगर तुम इस शोकमय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो तब तुम परम ब्रह्म भगवान के गुण कीर्तन को करो, जो कि इस संपूर्ण जगत के मूल नियंत्रा है, अनुमंता है, उपदृष्टा है। जब तुम उनके गुण कीर्तन को करोगे तो उनकी कृपा के द्वारा तुम इस जगत में परम सुख को प्राप्त करोगे। तो इस आदेश को अपने गुरु नारद मुनि से प्राप्त करने के बाद श्रील व्यासदेव तत्क्षणात् श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को लिखने का प्रयास किया।
लेकिन वो चिंता में थे कि कैसे हम ये सूक्ष्म तुच्छ जीव उस परम ब्रह्म भगवान के परम तत्वों के बारे में लिखेंगे, कैसे उनके दिव्य लीलाओं को, उनके कथा को वर्णन करेंगे। लेकिन परम ब्रह्म भगवान के कृपा के द्वारा इस संभव हुआ। जैसे भगवान जब ब्रह्मा जी को सृष्टि किए तो ब्रह्मा जी नहीं जानते थे कि कैसे इस जगत का प्रतिपालन करेंगे, लेकिन भगवान साक्षात ब्रह्मा जी को कृपा आशीर्वाद किए थे और व्यक्त किए कि हम तुम्हारे हृदय में सभी दिव्य शास्त्रों के ज्ञान को प्रदान करेंगे। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोयन्ति यत् सूरयः तेजो बारि इदं यथा विनिमयो धात्राति सर्गमृषा धाम्ना तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो तेने ब्रह्म हृदयादिकवये, जो आदि कवि था, विधाता पुरुष ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ था, तो उनके हृदय में साक्षात परम ब्रह्म भगवान उस दिव्य ज्ञान को प्रदान कर दिए थे। भगवान की कृपा के द्वारा वो अखिल जगत के, ब्रह्मांड के सृष्टि तत्व के बारे में समझ गए और एक से दूसरे जीवों का सृष्टि करते रहे। तो ऐसे ही भगवान की कृपा से श्रील व्यास देव वो भगवान की दिव्य गाथा को वर्णन करने लगे, भगवान के गुण, भगवान के लीलाओं को वर्णन करने लगे। अब श्रील व्यासदेव भगवान के एक अवतार हैं। हम जानते हैं भगवान कैसे अवतीर्ण होते हैं, भगवान के अवतार होने के पीछे रहस्य है, जहाँ पे कुछ संकेत हमको श्रीमद् भागवत गीता से मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय स्वाधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान साधु को परित्राण करने, दुष्कृतियों को नाश करने इस जगत में आते हैं और सर्वोपरि उनका लक्ष्य रहता है अपने भक्तों को रक्षा करना, अपने भक्तों को कृपा करने हेतु भगवान आते हैं। अब ये भक्तवत्सल भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार से आते हैं, तो उनके अवतार को 6 रूप से वर्णन किया गया है। शास्त्र में बताया गया है 6 प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के अवतार होते हैं। उनमें से अंतिम जो 6वां अवतार होता है उसको बताया जाता है सत्तावेश अवतार, जो कि भगवान के शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से शक्तिमान है और साक्षात भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप से आते हैं और आके असाधारण कर्म को संपादित करते हैं, जैसे कि श्रील व्यासदेव। तो व्यासदेव भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, तो इसी कारण शास्त्र में व्यासदेव को कृष्ण दैपायन व्यास बताया गया है। तो कृष्ण दैपायन व्यास जी जो कि साक्षात कृष्ण है, अब भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीला को कैसे कोई वर्णन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के कृपा के द्वारा ही संभव है। तो साक्षात खुद भगवान आए और आके अपने दिव्य लीलाओं को अपने भक्तों को प्रदान किए और जिसको श्रवण करने के द्वारा जीव इस जल जगत के सभी क्लेश से मुक्त होता है और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सभी चक्रों से मुक्त हो जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत के दिव्य कथा को श्रवण करने के मात्र ही जीव परम आनंद को लाभ करता है, क्योंकि भगवान के साक्षात मुखनिश्रित भगवान की इच्छा अनुसार भगवान के अवतार और भगवान ही अपने अंतरंग लीलाओं को खुद अपने पसंद अनुसार व्यक्त किए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता हम जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश प्रदान किए थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव से लेके संपूर्ण वृंदावन लीला, मथुरा लीला और अंतिम में द्वारका लीला को प्रकट किए भगवान, और कैसे फिर भगवान अंतर्धान हुए इस जगत से और कलि का शुरुआत हुआ, तो संपूर्ण रहस्य श्रीमद् भागवत इस अमल पुराण में वर्णन किया गया है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के इस महत्व के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे इस रस तत्व को जब व्यक्ति सुनते रहता है तब उसके हृदय में वो परम आनंद को अनुभूति करता है, क्योंकि ये जो रस है इसको बताया गया है परिपक्व फल। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्र का मूल फल है। सभी शास्त्रों को बताया गया है कि एक एक पेड़ और सभी पेड़ों का जो मूल फल है वो फल है श्रीमद् भागवतम, जो कि अल्टीमेट है। अब ये जो फल है, इस फल का कुछ अलग गुण है, ये कोई साधारण बाकी फलों के समान नहीं है। श्रीमद् भागवतम का जो फल है, इस फल में ना कोई छिलका है और ना ही फल के अंदर कोई गुठली है। जैसे हम आम देखते हैं, आम बहुत ही रसालु होता है, बहुत ही सुस्वादु होता है, लेकिन इस आम को खाने के लिए हमको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आम के छिलके को पहले हटाना पड़ेगा, फिर उसको अच्छे से काटना पड़ेगा, फिर अंदर से गुठली को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर आम को ग्रहण करके उसके अंदर जो रस है उस रस को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम का जो फल है परिपक्व, एक ऐसा है, इसको वर्णन किया गया है कि इस फल का ना कोई छिलका है ना ही इसके अंदर कोई गुठली है, ये पूर्ण रूप से रससिक्त है, अर्थात इससे सिर्फ और सिर्फ रस को आस्वादन किया जाता है। और ये आम, ये फल जितना मीठा है, ये और भी मीठा तब हो जाता है जब सुख मुख अमृता द्रवम, अर्थात जहाँ पे सुख पक्षी आप उनको स्पर्श करते हैं, अर्थात बताया गया है जब सुखदेव के मुख से ये भागवत कथा वर्णन होता है तो इसका स्वाद और भी मीठा हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम, इसमें जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं, लीलाएं हैं, ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जब इसके वर्णन करते हैं तो इसका मिठास और भी बढ़ जाता है। हमारे आचार्य वर्ग रसिकगण इसके बारे में टीका में वर्णन कर रहे हैं कि पेड़ में जो आम का फल लगता है उसका रंग बहुत सुंदर लगता है दूर से दिखने में, और उसके अंदर ज़्यादा मिठास रहता है। पका हुआ आम उसमें लाल वर्ण तब आ जाता है जब उसमें एक तोता जाके चोंच मार देता है, और जिस आम में तोता चोंच मारता है वो आम थोड़ा लाल हो जाता है और उसमें मिठास और भी ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम जो परम रसालु है, परम स्वाद है, और जिसको आस्वादन करते हैं रसिकगण, तो उस श्रीमद् भागवतम में जब सुख अर्थात सुख पक्षी सुखदेव गोस्वामी जब इसको अपने मुखारविंद से सभी को पान करवा रहे थे तो इसका स्वाद और भी सुंदर और मधुर होने लगा, जिसको श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, भागवतम के महत्व में मंगलाचरण में। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पीवतम भागवत रसमाल्यम।
मुहुर हो रसिका भुवि भावुकः। ये जो निगम कल्प तरूर गलितम फलम, तो ये जो गलित फल है पूर्ण रूप से रसमय है, तो इससे जो अमृत निकल रहा है और इस अमृत को ग्रहण करके सुख मुखात अमृतम द्रवम, सुखदेव गोस्वामी इसको बाकियों को पिला रहे हैं और इसके साथ को कौन आस्वादन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रसिका भुवि भावुकः, सिर्फ और सिर्फ रसिक गण जो भगवान के दिव्य प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, वही इसके दिव्य साध को अनुभूति कर सकते हैं अपने हृदय में। तो हम सभी को कृष्ण प्रेम में भगवान के भक्ति में ऋषिक भाव को प्रकट करना है। ये जब आएगा तब हम भागवतम के उस रस को आस्वादन कर पाएंगे, और ये जब मिलेगा तब महाप्रभु बता रहे हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम पतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और उसका जो अनुभूति है अर्थात जो एक बूंद है उस बूंद से जाके अनुभूति महासमुद्र बन जाएगा। और पतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर पद में हर एक स्टेप में हमारे आनंद का वृद्धि होने लगेगा, हम और भी ज्यादा से ज्यादा आनंद को आस्वादन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमको बहुत ही ज्यादा आकर्षित रहना है इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। अब जहां पे भगवान शिव एक गोपन स्थान में निरालय में पार्वती देवी को इस श्रीमद् भागवतम की दिव्य कथा को वर्णन किए, अब इसका भी एक अद्भुत रहस्य है। तो चलिए अभी इस सुंदर श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य रहस्य के तत्वों के बारे में संक्षिप्त रूप में जानते हैं, क्योंकि इसको भी विस्तारित बताया गया है। अब समय अनुसार हम प्रयास करेंगे आप सभी को थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने का। तो एक समय नारद मुनि कैलाश में गए थे, और आप सभी जानते हैं कि नारद मुनि के अंदर बहुत सारे श्रेष्ठ गुण हैं, वो जहां पर भी जाते हैं कुछ ना कुछ घटना करके आते हैं। तो नारद मुनि जब कैलाश में गए तो भगवान शिव ध्यान में थे, लेकिन उनको पता चला कि नारद मुनि का प्रवेश हुआ। नारद मुनि आए मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, अभी फिर भी भगवान शिव ध्यान से नहीं उठे, वो बैठ के वहां पे ध्यान किए जा रहे थे परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो इतने में नारद मुनि माता पार्वती के पास गए, नारायण नारायण करके। अब साक्षात पार्वती देवी नारद मुनि को संभाषण किए, हे नारद जी आप आइए, नारद मुनि को प्रणाम किए, नारद मुनि को व्यासासन प्रदान की। तब नारद मुनि के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान बनाए और नारद मुनि को भोग लगे। नारद मुनि जब ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण करते करते नारद मुनि पार्वती जी से प्रश्न किए कि अच्छा माते, ये भगवान शिव क्या आपसे भी ज्यादा किसी से प्यार करते हैं? तब पार्वती देवी बोली कि एक ऐसे प्रश्न को आप पूछ रही हैं, हमसे ज्यादा, हम तो साक्षात अर्धांगिनी हैं, हमको छोड़ के भगवान शिव किसी का चिंता नहीं करते। अरे आप तो जानते हैं दक्ष यज्ञ हुआ था जहां पे वीरभद्र को भगवान शिव क्रोधित होके प्रकट कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रेम से वशीभूत होके। हमसे ज्यादा इस जगत में कौन ऐसा है जिसको भगवान शिव प्रेम करते हैं? तो तब नारद मुनि बोले नहीं माते, आप कहीं पे तो गलत हैं। अगर भगवान शिव आपको ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो गले में वो जो मुंड माला पहने हैं वो मुंड माला किसका है, आप कभी पूछे हैं क्या? तो बोले कि नहीं, हम तो कभी पूछे नहीं।
तो बोले वो आग बंद करके किसका नाम लेते हैं, आप कभी पूछे हैं क्या? तो बोले नहीं, हम तो कभी नहीं पूछे। तब नारद मुनि व्यक्त किया, देखिए अब इस चीज को हम दर्शन कर सकते हैं, आप नहीं, तो अभी हम आपको सिखा दे रहे हैं, आप भगवान शिव से इस प्रश्न को कीजिए और देखिए आपको सही जवाब मिल जाएगा कि वो आपसे भी ज्यादा किसी से प्यार करते हैं और वो कौन है ये आपको जानना है। अब इसको सुन के माता पार्वती बहुत ही चिंतित हो गई। उस रात माता पार्वती सो नहीं पाए, दूसरे दिन सुबह को उठ के ही भगवान शिव के चरण को धो के शिव के वंदना करके ही तत्क्षणात माता पार्वती शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तब भगवान शिव बोले के ठीक है, तो बताइए आपको क्या प्रश्न है आपका, क्या बात करना आप चाहते हैं? तो बोले नहीं, हम यहाँ सबके सामने आपसे बात नहीं कर सकते, हम निरालय में कुछ ऐसे गुप्त स्थान है जहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ और आप और हम रहेंगे, वहाँ ही आपको इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। तो तब इसको सुन के भगवान शिव बोले कि ठीक है चलिए। तो कैलाश के गुफा के अंदर प्रवेश किए माता पार्वती और भगवान शिव, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और वहां पे माता पार्वती रोने लगी। अब भगवान शिव पूछे, अरे आप रो क्यों रही है? तब माता पार्वती बोली कि हे प्रभु आप सच बताइए कि आप हमसे ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं क्या नहीं? अगर आप ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं तब आप मेरा छवि लेके अपने गले में धारण करेंगे, लेकिन मेरे अलावा आप गले में इतने सारे मुंड माला पहने, एक किनका मुंड है, इतना कौन आपका प्रिय है जिनको आप गले में धारण करके अपने हृदय के पास रखते हैं? तब भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, ये जितने भी मुंड माला आप देख रहे हैं हम गले में धारण किए हैं, ये सभी मुंड मालाएं आपके हैं, ये एक एक समय आप अपने देह को धारण किए थी, फिर अपने देह को त्याग की, तो आपका जो नरक कंकाल था उसका जो मुंड था उस मुंड को हम धारण किए हैं, तो ये और कोई नहीं सभी आप ही हैं। तो आप जितने जन्म में जितने अवस्था में मेरे पास आए, तो सभी अवस्था में सभी युगों में हम आपको धारण करके अपने साथ रखते रहे, और इस युग में इस अवस्था में आप पार्वती के रूप से मेरे भांगिनी बन के हमारी सेवा को कर रहे हैं। तो पार्वती देवी एक जगह तो थोड़ा संतुष्ट हुई कि चलो गले में जिनको पहनते हो तो हमें, लेकिन आप आग बंद करके किसका ध्यान करते हैं, वो कौन है? तो तब भगवान शिव बोले वो तो कोई और है, आग बंद करके तो हम आपका नाम नहीं लेते। तब माता पार्वती बोली कि वो व्यक्ति कौन है, ऐसा कौन है इस जगत में जिसको आप हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं? तब भगवान शिव बोले कि इस रहस्य को हम ऐसे ही आपको नहीं बता सकते, क्योंकि एक जगत का सबसे गुप्त गोपनीय विषय है और इस तत्व को इस जगत का कोई भी जीव सुन नहीं पाएगा। अगर हम आपको बताते हैं तो इस कथा को एकदम ही निर्जन स्थान में, निर्जन स्थली में बताना पड़ेगा, जहां पे और कोई दूसरा जीव, ना पशु ना पक्षी ना कोई नर ना राक्षस ना किन्नर ना गंधर्व ना चारण ना देवता, कोई सुनने के योग्य नहीं है। तो अगर आप चाहें, आप हमारी अर्धांगिनी हैं, तो आपको हम वो गुप्त रहस्य को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन आपको हमको बाधा करना पड़ेगा कि आप इस रसमय तत्व को और दूसरे किसी को भी नहीं बताएंगे। तो इसको सुनने के बाद पार्वती देवी बोली कि जरूर हम किसी को भी नहीं बताएंगे, ना ही किसी को कहीं पर प्रवेश करने देंगे,
लेकिन आप हमें वादा कीजिए, आप इस परम गुह्यत तत्व रहस्य को हमको बताएंगे। और भगवान शिव बोले कि जब हम इस कथा को बताएंगे, पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ आपको इस कथा को सुनना है, और एक क्षण के लिए भी आप निद्रा में नहीं आ सकती। अगर इस शर्त में आप राजी हो तो तब जाके हम इस कथा को आपको वर्णन करेंगे कि हम किसको इतना प्रेम करते हैं, किसके नाम को उच्चारण करते हैं। तो इसको सुन के पार्वती देवी बोली, हे प्राणनाथ, निश्चित रूप से हम आपके वचनों को पालन करेंगे, आप कृपा पूर्वक हमको उस कथा को वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव और पार्वती एक निराला निर्जन स्थान में चले गए और दोनों बैठ के कथा को शुरुआत की। वहां ही उस समय एक दुर्घटना घटा। क्या दुर्घटना हुआ था? जब भगवान शिव पार्वती को इस तत्व रहस्य के बारे में बता रहे थे, हम जानेंगे उसी रहस्य के बारे में लेकिन दूसरे। तो नेक्स्ट जब हमारे इस भागवतम का क्लास होगा, तो उस भागवतम के क्लास में हम आप सभी को वर्णन करेंगे कि भगवान शिव जब पार्वती को इस कथा को वर्णन कर रहे थे तो उस समय क्या दुर्घटना हुआ था, और फिर जाके इस भागवतम का जो रहस्य है ये कैसे प्रकाशित हुआ, कैसे सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, और कैसे ये भागवत का दिव्य ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित होने लगा, और परीक्षित महाराज कैसे अभिशापग्रस्त हुए और 7 दिन बैठ के इस कथा को श्रवण किए। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा।